कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के बैनर तले बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया, जिसमें संयोजक कृष्णचंद श्रीवास्तव, सह संयोजक दुर्गा प्रसाद यादव, सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रवक्ता महेश कुमार राय और कोषाध्यक्ष नूरुल हसन चुने गए। इस दौरान पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपने 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आगामी 23 तारीख से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के संयोजक कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा, सहसंयोजक श्री रमेश तिवारी जी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, श्री सिद्धनाथ सिंह, सचिव श्री अशोक कुमार सिंह जी, प्रवक्ता श्री महेश कुमार राय, श्री विनोद तिवारी, कोषाध्यक्ष श्री नूरुल हसन, सभी अधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन। अधिकारी संघर्ष मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का गठन हुआ है, इसके लिए हम क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बधाई देते हैं और प्रांतीय नेतृत्व को बधाई देते हैं। हम लोग एकजुट होकर अपनी हक अर्जुन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कृष्ण श्रीवास्तव, आज परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए परिवहन निगम के हम 4 मान्यता प्राप्त संगठन और अधिकारी संगठनों को मिला करके अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किए हैं, और इस गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आज हमारे परिवहन निगम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई है। 93% अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसें दौड़ती हैं, प्राइवेट संचालन को चलाने की अनुमति दी जाती है। हमें चलने के लिए केवल 7% मार्ग दिए गए हैं, और उस 7% मार्ग पर भी सरकार का निगाह लगा हुआ है, और उस 7% मार्ग पर भी सरकार ने स्टेट कैरेज परमिट जारी करने का अध्यादेश जारी कर दिया है। और अगर उस 7% मार्ग पर के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर हमारे अगर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी प्राइवेट, तो निश्चित रूप से हमारे परिवहन निगम का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस नेक काम के लिए हमारे प्रांतीय नेतृत्व के 4 संगठनों के पदाधिकारियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। स्थानीय स्तर पर मैं अपने सारे पदाधिकारियों के, जो हमारे भिन्न भिन्न संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम आज परिवहन निगम के अस्तित्व के सवाल पर सभी लोग एक मंच पर आए हैं, और एक मंच पर आकर के हम विरोध सड़क से लेकर के न्यायालय तक करेंगे। हर जगह जहाँ भी हमको कुर्बानी दोगी हम करेंगे। कौन कौन से संगठन आपके साथ? रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, रोडवेज कर्मचारी संघ और सेंट्रल रीजनल और साफ कर्मचारी संघ और रोडवेज मजदूर सभा और अधिकारी संगठन, ये 5 संगठनों का यह मोर्चा बना हुआ है आज। और हम आज पहला कार्यक्रम था, मोर्चे का गठन हुआ। अगला कार्यक्रम हमारा है, हम 23 तारीख को प्रत्येक शाखा में जन जागरण का अभियान करेंगे, आम कर्मचारियों को बताने का कार्य करेंगे कि आपके सामने कौन सी समस्या आने वाली है। 24 तारीख को हम इसी गोरखपुर बस स्टेशन पर एक आम सभा करेंगे। 25 तारीख को इसी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में हम एक विशाल धरना और का कार्यक्रम करेंगे। अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, COVID-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए हम अपने ज्ञापन को शासन स्तर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। शासन स्तर पर भी हम दबाव बनाएंगे कि अभी भी समय है, सरकार विनम्रतापूर्वक हमारी मांगों पर विचार करें, और कम से कम हमें कोई सुख सुविधा नहीं दे रही है, हम ज़्यादा मांग भी नहीं रहे हैं। हम तो यह भी कहते हैं कि जो मिल रहा है हम उसमें जीने के आदी हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई सोने चांदी का मुकुट नहीं चाहिए, लेकिन 2 जून की रोटी जरूर चाहिए, और 2 जून की रोटी के लिए हमें संघर्ष करना आता है। हम संघर्ष करने के आदी हैं, और हम संघर्ष करेंगे। निश्चित रूप से हम इस परिवहन निगम को ताला बंद नहीं होने देंगे।